हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। 9 से पहले जो भी क्वेश्चन है आपके ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और एक्सरसाइज 10B से पहले आपकी जो एक्सरसाइज है 10A का, यानी उसके भी वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। 9th क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स करके लास्ट में आपको बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9th। इफ नंबर n-2, 4n-1 and 5n+2 आर इन AP, ये तीनों टर्म किस में है, AP में है। देखो, कोई भी सीक्वेंस AP में होती है तो उस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है, इक्वल। देखिए, जो कंडीशन गिवन है कि ये वाली टर्म ये और ये AP में है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 4n-1 - n-2, फिर इक्वल टू किसके होगा, इसमें से ये माइनस के इक्वल होगा, यानी 5n+2 माइनस का 4n-1, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इन आर AP फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है, इज द नेक्स्ट टू टर्म भी आपको निकालनी है। देखो, तीन टर्म तो आपको गिवन है, एक तो ये, दूसरी और थर्ड वाली टर्म, ये आपको गिवन है। कौन सी निकालनी है, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म भी आपको निकालनी है। देखिए, यहाँ से n की वैल्यू मैं निकालूँ तो 4n-1 ये -n+2 इक्वल टू 5n+2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4n, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1। यहां से जो कट रहा है उनको काट दीजिए। देखिए, ये 5n और ये 4n और ये n माइनस n कितना 3n। ठीक है, ये -1 और ये +2 कितना प्लस का 1 इक्वल टू ये n और ये 2+1 कितना आ जाएगा 2+1 3 आ जाएगा, तो ये 3n, ये n इधर आएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 1n हो जाएगा ना, माइनस का n। ठीक है ना, वही कर रहे हैं ना अपन। ठीक है, देखो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे और ये माइनस कर देंगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो 5+, एक बार मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, n+2 4n-1 and 5n+2 आर इन AP। देखिए, तो फिर इक्वल टू में कितने हैं n, ये माइनस इधर आएगा प्लस n का तो माइनस n, और ये 3+ में कितना आ जाएगा 3-1, तो यहाँ से 2n=2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 1, n की वैल्यू 1 आ गई, तो इस n की वैल्यू देखो, फर्स्ट टर्म कौन सी आपकी n-2, इसमें पुट कर दीजिए तो 1-2 की वैल्यू कितनी -1, दूसरी टर्म 4n-1 = कितना 4 × 1 - 1 = 4 - 1 कितना 3, फिर 5n+2 इसमें पुट करोगे तो 5 × 1 + 2 = 7। अब तीन टर्म आ गई, तो ये तीनों टर्म कौन कौन सी, देखिए -1, 3 और 7, ये किस में है AP के अंदर है, तो AP के अंदर है तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 3, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -(-+1) = 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7। तो ये 3 टर्म के बाद में कौन सी आएगी, A4 आएगी, यानी T4 है ना आपके, तो T4 आएगी, तो T4 में ये कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर दीजिए कितना 11, T5 निकालेंगे तो 11 में 4 ऐड कर दीजिए 5, तो नेक्स्ट टू टर्म कौन सी हो गई 11 और 14। ये आपका क्वेश्चन 9th कंप्लीट है। 10th पे जाइए, क्वेश्चन 10th में क्या है वो देखिए।
देखो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, यानी आपको ये बोला हुआ है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कोमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर इन एपी। देखो एपी में है, ये भी एपी में थी और ये भी एपी में है, तो इसकी फर्स्ट टर्म तो ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई और थर्ड टर्म ये हो गई। ये यदि तीनों एपी में, लिख देना आप तीनों टर्म आर इन गिवन इन एपी, तो इसमें से अपन ये माइनस करेंगे, तो 2k यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, माइनस करना इस फर्स्ट टर्म को, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इक्वल टू, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, माइनस करेंगे किसको, इस वाली टर्म को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस का 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ये आ जाएगा क्योंकि एपी में एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ वो देखिए, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k और माइनस का 6, ये आ जाएगा। अब कैंसिल आउट करना है, तो देखिए कैंसिल आउट जो हो रहा है उनको अपन कर देते हैं, ठीक है ना, नहीं हो रहा है इधर से, तो नहीं हो रहा ना, ये 4k ये प्लस का है, 3k वो माइनस का, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए, ये 2k स्क्वायर ये k स्क्वायर कितना, k स्क्वायर 1k स्क्वायर मिलेगा, ये 3k और ये माइनस का 4k यानी माइनस का 1k, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 8, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू, ये 3k और ये माइनस का 2k स्क्वायर तो k स्क्वायर, ये 4k और ये माइनस का 3k तो माइनस का k आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का प्लस का k। उसके बाद में ये 4 माइनस 2 कितना, माइनस का 2, ये आ जाएगा रिमेनिंग वैल्यू। इस कैसे ये k कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग वैल्यू 1 माइनस k माइनस का 2 इक्वल टू k माइनस 2, ठीक है, ये k इधर आएगा तो माइनस के और ये के इधर आएगा तो माइनस का के हो जाएगा ना, माइनस का के इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा इधर आते ही माइनस 2 और ये माइनस का प्लस 2, ये वाली वैल्यू माइनस 2k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो ये वैल्यू आपको निकालनी थी। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन 11th, 11th में इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन एपी, एपी के अंदर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी एंड सी आर इन एपी, एपी में तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा, तो क्या लिख सकता हूँ बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा कि इसमें से ये माइनस करेंगे इसमें से ये माइनस करेंगे, तो ध्यान से देखिए ये बी और ये बी इधर आएगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं 2b, क्या लिखेंगे यहाँ से 2b इक्वल टू सी प्लस में ए, सी प्लस में ए, एक रिलेशन तो ये मिलेगा आपको, दूसरा रिलेशन बी इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन में 2, एक रिलेशन ये मिलेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए और इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रूव करना है, कि प्रूव दैट कि 4a 4b एंड 4c आर इन एपी, ये एपी में, तो ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है कि 4b माइनस का 4a इक्वल आना चाहिए 4c माइनस 4b के, तभी तो एपी में होगा ना, तो ये प्रूव करके रिप्रेजेंट करना आपको। देखो ये फर्स्ट टर्म
ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। यदि ये डिफरेंस कॉमन आ जाएगा यानी सेम आ जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों टर्म किस में है, एपी के अंदर है। तो सबसे पहले मैं इस साइड को लेता हूँ, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी है, 4b-4a। यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, 2a को मैं कॉमन निकालूँ तो 2b-2a। 2 को क्यों कॉमन निकाला है, क्योंकि b की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। तो मैं देखो b की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 2 इंटू इस 2b की वैल्यू कितना, c प्लस a माइनस का a। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो 2 इंटू कितना लिख सकता हूँ मैं, c, ये कितना हो गया माइनस का, देखो माइनस ए मिल जाएगा रिमेनिंग वैल्यू। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। उसके बाद में राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है आपकी, ये रही 4c-4b। 2 को कॉमन निकाल लो तो c माइनस 2 को निकालेंगे ना, तो 2c माइनस ये कितना 2b इक्वल टू 2 इंटू 2c-2b की वैल्यू कितनी है इक्वेशन फर्स्ट से, c माइनस का a, ये वैल्यू है रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। कहाँ से आया, इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, ये प्लस आपका, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2c-c-a, इसी को ले सकता हूँ मैं। 2c-c कितना, c माइनस का a। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब मैं ये लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नहीं भाई, थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यदि राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4a 4b या हैंस लिख देना आप, हैंस 4a 4b एंड 4c आर इन AP। ये मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट नहीं इसके सेकंड पार्ट पे। तो आप नोट डाउन कर लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इसको। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो आपको निकाली हुई है आपकी, इस सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट में क्या है आपका, ये चारों एपी में है तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, यानी बी प्लस 4-a+4 इक्वल टू c+4-b+4। ये चीज़ इक्वल आनी चाहिए, देखो b+4- या फिर चलो ले ही लो आप, ठीक है ना, चलो ये चीज़ आपकी इक्वल आनी चाहिए। यदि ये इक्वल आ जाए तो आपकी क्या हो जाएगा, ये चारों चीज़ तीनों चीज़ एपी में आ जाएगी। ये इक्वल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, b+4-a+4। तो b+4- को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, तो b-a। अब b की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए तो c+a/2-a, एलसीएम कितना आ रहा है, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना c+a-2a। तो यहाँ से जो रिमेनिंग वैल्यू आई है वो देखो a-2a कितना माइनस का a, अपॉन में कितना है 2। कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, फोर्थ, वहाँ तक आई थी, ये हो गई आपकी फिफ्थ। सेकंड पार्ट की मैं बात, सेकंड नहीं राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में क्या है आपके, यहाँ पे
सी प्लस फोर माइनस बी प्लस फोर, सी प्लस फोर माइनस बी माइनस फोर, फोर से फोर कैंसिल आउट, तो सी माइनस बी, तो सी माइनस ये लिख देना, ये आई कहाँ से वैल्यू आपकी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। बी की वैल्यू कितनी है, सी प्लस ए अपॉन में टू, ये आया कहाँ से आपका, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। इसी को ले सकता हूँ मैं सी, ठीक है ना, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो टू तो एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो टू सी और ये सी प्लस का ए आ जाएगा। टू सी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी और माइनस का ए अपॉन में टू, सी माइनस सी कितना, सी माइनस का ए अपॉन में टू, कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, सिक्स्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फाइव एंड सिक्स से क्या ले सकता हूँ मैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या हो जाएगी यहाँ पे, इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल हो जाएगी तो मैं ये लिख सकता हूँ कि हैंस ए प्लस फोर कॉमा बी प्लस फोर एंड सी प्लस फोर किस में हो जाएगी, ये आर इन एपी के अंदर। ये आपका क्वेश्चन 11th है। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 12th के अंदर इन एपी कंसिस्ट ऑफ द 57th टर्म, यानी एक एपी के अंदर टर्म कितनी है 57, तो एन हो गया कितना 57। विच टर्म ऑफ विच 7th टर्म इज, यानी ए सेवन नहीं भाई, टी है ना आपके, तो टी सेवन कितना 13। एंड लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी एन या फिर एल से, कितना 108। देखो किसी एपी के अंदर 57 टर्म है तो इसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी, टी 57 हो जाएगी, तो टी 57 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108। उसके बाद में फाइंड द 45th टर्म, यानी आपको निकालना क्या है, टी 45th टर्म आपको निकालनी है, तो इसको देखना ध्यान से। देखिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ये वाली कंडीशन गिवन है, तो ये वाली कंडीशन आपको गिवन है, तो टी सेवन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, बताया था आपको कि डायरेक्ट लिखने के लिए ए प्लस, इसमें से एक कम कीजिए 6d, इसकी वैल्यू कितनी है 13, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट। फिर टी एन, तो टी 57 आपको एन की वैल्यू, तो लास्ट टर्म कितनी हो गई, यही हो गई है ना, ये तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, टी 57 के ही इक्वल है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ए प्लस 56d इक्वल टू में कितना है 108, कौन सी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, इसमें से ये मैं माइनस करूँगा तो देखो साइन चेंज होगा, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट, 6 माइनस 56 कितना माइनस का 50d, माइनस का 50d आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो माइनस का कितना 5, ठीक है ना, और 10 में से जाएगा तो 95, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95 अपॉन में 50, ये आपकी d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। d की वैल्यू आने के बाद में इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना, तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगा तो देखो a प्लस 6 इंटू डी 95 अपॉन में 50 इक्वल टू में कितना है 13 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सबसे पहले a इक्वल टू 13, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का कितना 96 इंटू 95 अपॉन में 50, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 50 एलसीएम आ जाएगा,
तो ये 13 इंटू 50 माइनस 6 इंटू 95 ये आ जाएगा। अब देखो इनको मल्टीप्लाई क्या देखें, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा मल्टीप्लाई इनका, 65 माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, तो 30, 9, 45, 54 और 54 3 57, 570 अपॉन में 50। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, वैसे तो यहीं से भी कैंसिल आउट हो रहा था ये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 0 15 से, ये रिमेनिंग तो 8 और ये कितना, ठीक है ना, 80 हो रहा होगा, 80 हो गया ना, अपॉन में 50, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन में 5। अब जो वैल्यू आपको निकालनी है उस वैल्यू की मैं बात करूँ, कौन सी वैल्यू निकालनी है, T 45। तो T 45 की वैल्यू A प्लस 44 इंटू में D। एक की वैल्यू कितनी है आपकी, 8 अपॉन में 5 प्लस 44 इंटू डी कितना है, 95 अपॉन में 50। तो ये 50 तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, तो एलसीएम आएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो 10 तो 80 प्लस ये कितना 44 इंटू 95। तो 44 को मैं 90 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 95 44 कितना मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा आपका 20 और इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 36 और दो कितने 38, तो 08 4 तो 80 प्लस 41 80 अपॉन में 50, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 6 2 और ये 4 अपॉन में 50, ये कैंसिल आउट होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा 85.2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 13 में फोर टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू, फोर टर्म यानी T4 ये किसके इक्वल आपका, इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म, यानी 3 टाइम्स है किसकी, फर्स्ट टर्म की, तो ये कंडीशन आ जाएगी। 7 टर्म, दूसरी कंडीशन आपको दी हुई है कि 7 टर्म एक्सीड ट्वाइस किसका, थर्ड टर्म का, बाई वन। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है आपको, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D, ये दोनों आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले T4 को क्या लिखूं, A प्लस 3D कितना, 2A, यहाँ से 3D इक्वल टू 3A माइनस का 1 कितना, 2A, तो 2A या फिर रहने दो इसको, ठीक है ना, जैसे रिक्वायरमेंट होगी अपन वैल्यू यहाँ पे, या फिर ले लो देख लो कितना, 2A इक्वल माइनस का 3D इक्वल टू में 0, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब जो दूसरी कंडीशन आपको गिवन है इसको मैं क्या लिखूँ, A प्लस 6D इक्वल टू 2 इंटू A प्लस 2D प्लस का 1, A प्लस 6D इक्वल टू 2A प्लस 4D प्लस 1, तो 2A ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का है, प्लस 4D ये 6D इधर आएगा तो माइनस का 6D और प्लस 1 इक्वल टू में कितना, 0, ये 2A माइनस है कितना, A और ये कितना, माइनस का 2D प्लस में 1 इक्वल टू में 0, ये आ जाएगा। अब देखो इसको आप इक्वल टू 1 ना करके इक्वल टू कर दो माइनस का 1, ठीक है। अब इन दोनों का कोपिशियंट सेम करेंगे, सेम करने के लिए क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2A माइनस का 4D और ये इक्वल टू माइनस 2, कौन सी इक्वेशन, सेकेंड। अब आपको करना है क्या है,
इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस करना है इक्वेशन सेकंड को। तो देखो 2a माइनस 3d इक्वल टू जीरो, तो 2a माइनस 4d माइनस का 2 ये आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो साइन चेंज, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट, तो ये d और ये इक्वल टू आपका इक्वल टू माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, इस 2 को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो देखो कितना आ रहा है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 2a, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, 14 देखिए क्या है। 14 आपको गिवन है कि द सम ऑफ सेकेंड टर्म, द सम ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यानी T2 एंड सेवन्थ टर्म T7, इन दोनों का सम कितना है 30 है। इफ द 15 टर्म इज वन लेस देन, यानी एक कम है किससे, ट्वाइस ऑफ 8 टर्म, तो एक कम का मतलब -1, तो फाइंड द एपी, एपी आपको फाइंड करनी है। देखो कंडीशन गिवन है वही लिख देता हूँ मैं, इसको क्या लिखूँ a प्लस का d, इसको क्या लिखे a प्लस 60 इक्वल टू में कितना 30, तो 2a प्लस 7d इक्वल टू 30, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जो सेकंड केस आपको गिवन है उसको लिखते हैं, देखिए इसको क्या लिखे a प्लस 14d इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 7d माइनस का 1, तो a प्लस 14d इक्वल टू 2a प्लस 14d माइनस 1, 14 से 14 कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो a माइनस का 2a इक्वल टू माइनस 1, तो a माइनस 2a कितना -1, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो नेगेटिव साइन, इक्वल टू -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इस 1 को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 7d इक्वल टू 30, तो 7d इक्वल टू 30 माइनस 2, तो d इक्वल टू 28, ये 7 इधर आएगा तो अपॉन में कैंसिल आउट होगा, तो 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। किसी एपी की फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 4 इसमें ऐड कर दीजिए 5, फिर इस 5 में ये 4 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9, 9 के अंदर 4 ऐड करो 13, 13 में 4 ऐड करो 17, ऐसे ये एपी आपकी आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, 15 क्या कह रहा है आपका कि इन ए एपी एमथ टर्म, एम टर्म, तो एम टर्म का मतलब टी एम कितना है आपका एन है, फिर एनथ टर्म, तो एनथ टर्म कौन सी होगी टी एन, इसकी वैल्यू कितनी है एम है, तो शो दैट, आपको प्रूव करके ये रिप्रेजेंट करना है कि टी आर इक्वल टू आरथ टर्म बोल ली ना, तो टी आर इक्वल टू एम प्लस एन माइनस आर, ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए जो आपको कंडीशन गिवन है उसी कंडीशन को ले लीजिए आप। ठीक है ना, देखो कंडीशन आपको टी एम गिवन है, तो टी एम को क्या लिखूं ए प्लस एम माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू में एन, ये आ जाएगा ना। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में आपको गिवन है टी एन, टी एन को क्या लिखें ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी और इक्वल टू में एम, ये आ जाएगा।
ये कौन सी इक्वेशन हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये कौन सी हो गई सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन फर्स्ट ये कर देंगे। तो देखो ये tn इसी की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू इन दो अपन को यहाँ तक लेंगे। तो देखो ये वाली वैल्यू इसमें ऐड, तो क्या लिखूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी प्लस ए प्लस एम माइनस वन इंटू में डी, उसकी वैल्यू उधर वाली m और इधर वाली प्लस एन, ऐड ही तो करना था। तो ये वैल्यू आपकी कंडीशन आ जाएगी। अब आपको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए d को, तो कितना देखो a प्लस एन डी माइनस डी ए प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू एम प्लस एन, डी से डी कैंसिल आउट, कैंसिल आउट नहीं डबल हो जाएगा भाई, ये लीजिए ठीक है डबल हो जाएगा ना, या माइनस करें, देखो यहाँ से क्या आ रहा है आपका, यदि मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ काम हो जाएगा, माइनस करते हैं, देखो इसमें से ये मैं माइनस कर दूँ, ये माइनस करना आपको, तो ये भी माइनस आएगा, ये लीजिए। तो देखो a प्लस एन डी माइनस का d, फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का m, और ये d भी आ रहा है तो एम डी, ये माइनस कितना प्लस d इक्वल टू में m माइनस का n। अब d से d कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, यहाँ से कॉमन कितना d, रिमेनिंग वैल्यू कितनी n माइनस m इक्वल टू में कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालेंगे तो n माइनस m, ये वाली सेम वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन। इस d की वैल्यू इन दोनों में किसी में पुट कर दीजिए आप, तो देखो एक की वैल्यू आ जाएगी, तो इस d की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूँ कि d इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे लिख देना पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो कितना आ रहा है a प्लस एन माइनस एम है एम माइनस वन इंटू में माइनस वन इक्वल टू में n, तो a इक्वल टू ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरा इसी के साथ करवा दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस एम माइनस वन इक्वल टू में n। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये पूरी माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी, तो प्लस, तो क्या लिखें n प्लस m माइनस वन, और इसी को मैं ले सकता हूँ m प्लस n माइनस वन, ये मैं इसको ले सकता हूँ। अब निकालना क्या था आपका, आरत टर्म निकालनी थी, तो tr देखो tr ये प्रूव करना है, तो tr को मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म इसमें से एक कम r माइनस वन इंटू में कॉमन डिफरेंस d, सारी वैल्यू आपको गिवन है, एक की वैल्यू कितनी है m प्लस n माइनस का वन, फिर प्लस r माइनस वन d की वैल्यू माइनस का वन, तो m माइनस n माइनस वन, ये माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस r, और ये माइनस कितना प्लस वन, ये इससे कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी m प्लस n माइनस r, किसकी वैल्यू मिल गई टी आर की वैल्यू मिल गई, और ये क्या करना था आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है विच टर्म ऑफ ए पी, कि ए पी की कौन सी टर्म, ए पी कौन सी आपकी, देखिए 3 7 3 10 है, 3 10 17 ये आपकी ए पी, तो इसकी ए पी की फर्स्ट टर्म कितनी 3, कॉमन डिफरेंस कितना 10, इसमें से ये माइनस करना है ना आपको, तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, ये आपकी कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। विल बी 84 मोर देन द 13 टर्म, यानी ए पी की कौन सी टर्म को टी एन मान लेता हूँ, ये 13 टर्म की 13 टर्म टी 13 कितना ज़्यादा है 84,
तब आपको बताना है कि कौन सी टर्म होगी, इस n की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 13 माइनस वन 12 डी प्लस में 84। ए से कैंसिल आउट, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 7, इक्वल टू 12 इंटू डी प्लस 84। ये कितना 7n माइनस 7, 84 और 84 कितना, 84 और 84 कितना 168। तो 7n इक्वल टू 168 माइन प्लस 7, तो 7n इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका, देखो 571। ये कैंसिल आउट कर दीजिए तो n की वैल्यू कितनी है 7, कितना आएगा देखिए 1 2 14 3 5। तो कौन सी टर्म होगी आपकी, 25th वाली टर्म होगी। कौन सी होगी, 25th टर्म आपकी 13 टर्म से 84 ज़्यादा होगी। ये था आपका क्वेश्चन 16 के साथ एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन सम ऑफ nth टर्म का सम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।